कई साल गुजर गए थे यहाँ पे। झूमर झूमर तो आएगा इधर पनवाल का। नहीं कितना बुरा हो रहा हूँ देख, क्या बुरा हो रहा हूँ। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज आज का दिन भाई साहब पता है कैसा है आज का दिन? आज का दिन है परफेक्ट। ऐसा दिन हो, ऐसा ही मौसम हो तो मजे करने में क्या बुराई। एक बार मैं तुम्हें मौसम दिखाऊंगा ना, टॉयलैंड में आज बहुत सुहाना दिन है। और कल की वीडियो जो दादी वाली थी ना भाई, पब्लिक को मजा आ गया भाई दादी देख के यार, कि हाउ फनी माई दादी। तो मम्मी तो मामा के जा रख के दी, अभी आई है मम्मी। तो अभी एक बार घर जा रहा हूँ, हमने शाम को निकलना है एक जगह पे, उसके कपड़े वपड़े पैक करने हैं। और आज अपनी एक शूट भी थी जो कटारे भाई साहब के चक्कर में कैंसिल हो गई। कह रहा बढ़िया ना सुविधा ना, मगर चलो ठीक है, एक वैल्यू तो हम भी होल्ड करते हैं। तो एक बार घर जा रहा हूँ, मम्मी से मिलवाते हैं और इतना मौसम दिखाता हूँ। ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा छाया, ना मतलब छाया बट परफेक्ट, समझ रहे हो? परफेक्ट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मौसम। शूट करने में भी मजा, रहने सहने में भी मजा। आधी बाजू की टी शर्ट पहन रखी मैंने, आधी बाजू की, और ना ठंड लग रही ना गर्मी लग रही, परफेक्ट लग रहा, बिल्कुल परफेक्ट। ये अपने कपड़े कुपड़े सारे घेर लिए, पीछे अपना सारा सामान लेकर घर जा रहे हैं हम तो। बाय बाय भाई। ये वाला नाका सबसे तगड़ा, जब ही पकड़ लेते हैं बंदों को इधर से आने वाली को ना, सबको पकड़ लेते हैं। अभी देखना उधर पकड़ेंगे पीछे, हम तो इधर जा रहे हैं, हमें तो क्यों पकड़ेंगे। कल ना मैं एक गाना सुन रहा था, ऑन फेस, बहुत तगड़ा गाना लगा मेरे को। तो उसमें ऐसी वर्डिंग्स है, देखो सुनो। ये सुन रहा भाई मैं बैठ के ना, बढ़िया लगा मेरे को इसकी बीट वीट मस्त लगी। तो एक भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, भाई कहता भाई यादव हो के तुम तो जाटों के गाने सुन रहे हो। मैंने कि मैं सोच रहा, मैंने कि अरे ये कैसी बात है, मैंने कि तो मैंने कि अपने भाई हैं जाट हो गए, गुजर हो गए, मैं कहा हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ सारे जने बैठे हैं वहाँ पे जाटों के भी गाने बजे हैं, यादवों के भी गाने बजे हैं, गुजरों के भी गाने बजे हैं, राजपूतों के भी गाने बजे हैं, हम तो सब पे वाइब करें भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कहा भाई जहाँ वहाँ जहाँ बैठे हैं हम सारे जने भाई यार, वहाँ पे हम जाटा का छोरा इस पर भी नाचे हैं, चोरी गुजर को ले जाओ इस पर भी नाचे हैं, और राव साहब के गानों पर भी नाचे हैं, चाहे यादव ब्रांड 2-3 और भी बतेरे गाने अपने। तो ऐसा ये सोच के तो हम कदे ना करें कि जात बिरादरी कि भाई हम इस पर यो ना नाच सके, इस पर जाट रील ना बना सके, इस पर गुजर रील ना बना सके, यादव इस पर ना बना सके, ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। और जिस भाई के भी मन में ऐसा हो ना कि हमारा गाना है इसका गाना, भाई भाईचारा इसी का ही तो नाम है यार, जब सारे जने इकट्ठे रह रहे हैं, 36 बिरादरी ऑन टॉप रह रही है। तो भाई को मैंने समझाया, मैंने ये बड़ी गलत बात लगी मेरे को आपकी। मेरी दादी वाला व्लॉग देखा तेने? देखा देखा ना देखा, सही से पूछ रहा हूं। ना आज टाइम ना लगा, थोड़ा सा देखा शुरुआत का। कितना शुरुआत में तो मजा, इसमें क्या है? ले भाई मोटा पैसा, ले पैसे तेरे याद आया। माते दे रहा था कल इन्हें। तुम तो कहीं थोड़ा सा ही देखा तेने? हाँ इतना तो देखा है। ये तो बीच में था, बीच में बाद में दिए मैंने जुए का पैसा। ले भाई ना लिया ना माने, जुए का पैसा है ले, चुचकार के ले ले जुए का पैसा, चुचकार। ये डिफरेंस है दादी और माँ में, देख दादी और मम्मी में डिफरेंस देगा, उन करी ना जुए का पैसा, ये ना ले जुआ। हाँ मैंने जुए का ना, माने जैसे मर्जी बैगा बैगा। तेरी कसम जुए का पैसा भाई, मतलब मैंने जुआ नहीं खेला, मैंने कमीशन ली उनसे जो खेल रहा। ये काम रह गया तूने? मैंने उसको 2 बार बताई भाई को कि भैया ऐसे ऐसे चल दो, वो जीतेगा 10 बार 1000 रुपए। मैंने की कमीशन तो बनती है, देखो 1000 रुपए उसमें से निकाल ली। उसके बाद भाई माइनस में उठ के गया ये और डाउन गया। तो हम तो चलो ये भी ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि भाई तुमने ये ओवर यूज कर दिया, पहन पहन के ओवर यूज कर दिया। भाई क्या हो गया फिर? सुनना फिर उस तक मेरे कपड़े हैं, पता है कितने का था ये भाई? मेरा मैंने ये लिया था स्टैन स्मिथ का जूता लिया था और एक हुडी ली थी, मेरा बिल था 38,000 रुपए का 3 चीजों का। अब मुझे ये भी नहीं पता कितने की थी, ऐसी जल्दी जल्दी मैं सीएम साहब से मिलने के लिए जब लेके आया था। क्यों गीत गा रहा है? और पब्लिक नो कह रही है कि भाई तुम बहुत ज्यादा पहनने लगे, उसे छोड़ दो। मैं कहा क्यों छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? हाँ मम्मी पैरा लग जाएगी अब इसने, मोटे तो पैरा लग जाएगा। कैसी लगेगी मम्मी? आई कैन इमेजिन यू इन दिस, बढ़िया लगेगी। पैसा दे दे। अरे भाई ले बड़ा 1000 रुपए पकड़ के पकड़ ले जा। मैं सुन, तू वही है ना, सुन दर इन ते वार्ड को, एक बार बताऊं जो वही है तो बोले वो खाली उठा, पर तूने अपने कमीशन के ले लिए उससे। माँ के दांत निकलवाने गए एक बार, याद है तेरा? मेरे क्यों याद होगी भाई? माँ के दांत निकलवाना था तो 2 दिन बुलाई थी, तो 1 दिन के 2 रुपए मिले गिरा थे इसने। इतना तो नहीं याद, ये शायद मेरे हिसाब से मेरे पुराने जन्म की बातें हो रही है। कोमल भी थी और तू भी था, तो एक दिन दुकान बंद थी, अगले दिन
तुमने दूर से देखी कि दुकान बंद है, तो कोमल बोली माँ दुकान बंद है, तो की करा तू चुप रहना, कोमल चुप करवा दी तूने। दुकान तक गए तो माँ बोली आज तो दुकान बंद है, तो खड़ा हो बोला 2 रुपए निकाल दो, यो बात ना हुई थी दुकान बंद रहोगी तो तुम्हारे पैसे ना देवेगी 2-2 रुपए की हमारी कैश टकर, 1000 रुपए छोड़ दे मेरे, 1000 रुपए तेरे लायक नहीं बच्चे, अभी 1000 रुपया छोड़ इसको, 2.5 साल का था तू, रख ले चल मेरे तो खूज कैश नहीं संभाला जाता, पकड़ो और क्या क्या सामान लेना मोटे, निकल रहा हूँ मैं। और कोमल बिचारी ने लिए भी ना, वो इतनी सी वाओ तूने ले, वाओ वहां तो दिखाई ना दुकान पे थे। अरे यार एक सी टाइप का चार्जर भी चाहिए अपने को, यू है के एप्पल विजन प्रो भी लेके जाऊंगा ना मैं, ऐसे नहीं सी टाइप नहीं है मम्मा, एप्पल विजन प्रो लेके जा रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ। ठीक है भाई मैं निकल रहा हूँ अब, बाय बाय मोटे। अभी पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कपड़े सिम माने क्यों भाई साहब, शादी ब्याह के लिए सारी टाइट हो रखी है, नया ब्लेजर नया सूट सलवार ना खुले सिलवा के लिए भी नहीं, बेल बॉटम उनका मैं क्या करूं, खा जा सबको, कोई छोटा भाई होता तो मैं भरा देती हूं, छोटा भाई भी तो ना, चले भाई चले, क्रीम कोई लेनी है, मेरा परफ्यूम कलेक्शन देखो गाइस। भाई तुम्हें पता मैं कहां खड़ा हूं, भाई कौन सा कमरा है ये, मेरा कमरा है क्या, ओ माय गॉड मैं तो आज आया था टाइम बाद, शीशा एक तो यहां लगेगा ठीक है, इधर भी शीशा दे दिया क्या एक, यहां भी तो शीशा लगेगा, जो जकूजी में देख के आया ना वो लगेगी मेरे हिसाब से इधर, कोने में इसी में इधर लगेगी ना बाटा, हाँ इसी में लगेगी, ये अलग पोर्शन होगा ये अलग पोर्शन होगा, और यहाँ पे तो ये लगेंगे, और इधर ही रहेगी नाने नूने का सौदा, मेरा चीज तो सही होगी भाई, वाह वेरी नाइस। मैं कब तक कर दोगे सर ये कंप्लीट, वो सब कंप्लीट ही कंप्लीट है, इतना टाइम होगा मुझे सुनते सुनते, कई साल गुजर गए थे यहाँ पे, झूमर झूमर तो आएगा इधर, ठीक है ना पहले से तो हो गया काफी कंप्लीट होगा तभी तो मेरा ब्लॉग बनाना साथ में फिर तो बना ही नहीं, ये बंद है, बंद कर दिया ये, बंद क्यों कर दिया, इधर से करती इसकी एंट्री, अब बंद है तो वहां से कौन था, ला भाई ओरी ओपन बालकनी, इधर से बंद क्यों कर दिया वैसे है? बंद क्यों कर दिया है? ये अंदर से लॉक कर रखा ना, अच्छा हवा आती ना खुल जाता है, समझ गया, इधर भी बनेगा बारिश, इसके ऊपर भी टिकेगा कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो बारिश में तो भीग जाएगी यहाँ पे जो कुछ डाले घास घूस, एक्रेलिक शीट डालेंगे ऊपर, ऊपर शीशा डाल दो, शीशा डाल दो ऊपर, शीशा पड़ जाएगा है ना, ये भाई सीढ़ी का डिजाइन, ये क्या है सीढ़ी का तो नहीं है, ये सीढ़ी का है इधर की, अच्छा सीढ़ियों का तो नीचे रखा, ये सही है इस पर पेंट होगा, यही पेंट यही करा, पेंट होगा इस पर, गोल्डन कलर का करा दो पेंट, गोल्डन भी है, लो यहाँ से व्यू दिखाऊंगा, वेल नाइस, इधर पागल अभी तो रखी थी इधर, अच्छा ये रही, नहीं पागल होगा लगूँ, ये लगेगी भाई अपने इधर साइड साइड में, ये नई सीढ़ियाँ रेडी, इधर टीवी इधर क्या है फिर, इधर वो सोफे ऊपर पड़ेंगे, अच्छा ये अच्छा लाइट वाइट का ऊपर, वेरी नाइस, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ भाई, ओली अपने घर की सवारी, ये रहा घर अपना ऊपर लक्का, अब चलते हैं कि अपनी शाम की है फ्लाइट, 5 बज लिए, 2 घंटे में हमको निकलना, भाई अपने रेडी हो गया हूँ मैं जादू स्कूल जाने के लिए, वैसा ही ना लग रहा था जादू स्कूल जाने वाला, इसमें हवा भी तो भरेगी नीचे, हाँ तेरे जैसा आदमी तो भर, आ जाओ भर दे भाई, सुनो मैं कह रहा हूँ अभी चले जाओ टाइम से, कल आ जाना टाइम पे, डिलीवरी है गाड़ी की, ये तो आई नहीं रहे, ये तो जा रहे हैं, थोड़ा प्राइवेट चार्टर बोल दूंगा मैं, अपना प्राइवेट चार्टर, चार्टर की स्पेलिंग सुनिए CHARTER, ला भाई, और चार्टर्ड अकाउंटेंट CHARTER, गलत हो गया, गलत हो गया सारे अकाउंटेंट गाली बकते ना भाई साहब, लिम्बाडियम जेडियस, वो लिम्बाडियम नहीं है वो विंगाडियम है, विंगाडियम जादू स्कूल भाई साहब, बैलेंसियागा, ओह ये रहा गाइस, तो हमारा न्यू प्लेग्राउंड होम है, ये हमारा वर्क बेस है यहाँ पे, ये हमारा वी वर्क है, को वर्किंग स्पेस है, नहीं नहीं हमारा ना खरीद के दिया बच्चों को भी, क्या कह रहे हो भाई, क्या ही कहते हैं तुम्हें, एक डेढ़ दे रहा हूँ, दिनेश भाई वो काम कर रहे हैं, वो जो किचन वाले दिनेश भाई हैं, उनको जाकर किससे कराओ, ये तो तू डेयर ना वैसे कह देता तो भी कर दूंगा,
स्मूच मारनी है स्मूच की तो कह रहा हूं पहले तेरा खींचूंगा फिर उसके नहीं नहीं मेरा मत ना खींचे भाई एकदम से गेम एनर्जी आ गई पूरे कमरे में एकदम से गेम पूरे कमरे में शीशे के अंदर से निकल गए लटका रहे बेटा कल पता कितने करोड़ की गाड़ी की डिलीवरी है पागल हो जाएगी जनता भाई साहब कल 0.4 CR 0.4 CR जी घंटा 0.4 CR मजाक कर रहा हूँ यार इसकी गाड़ी कितने की गाड़ी है तुम 2.5 करोड़ की गाड़ी है ना 5 करोड़ की नहीं नहीं 50 50 करोड़ की ये नहीं नहीं 50 वो थोड़ा कम 50 rupees 50 cents जो भी हो भाई हम तो मैं हूँ नहीं क्योंकि हम ऑन अ शूट यू नो आप गाड़ी से आ जाएंगे नई गाड़ी नहीं पर नई गाड़ी से चंडीगढ़ की पहली ट्रिप भाई आगे भी चलेंगे भाई मर्सिडीज भी ठा लाना फिर मर्सिडीज मर्सिडीज नहीं भाई सुधरा लग रहा नशा कर लिया लगे एयरपोर्ट पे हूँ मैं इस टाइम और मेरा प्लान पता क्या है कि एप्पल विजन प्रो चलाना मैं सोच रहा था प्लेन में चलाऊं पर सोच रहा हूँ एयरपोर्ट पे ज्यादा भीड़ है तो एयरपोर्ट पे चलाऊं रिएक्शन लूं पब्लिक क्या सोच रही है ठीक है अभी मुझे शर्म आ रही है अब मुझे शर्म आ रही है ऐसा लग रहा बेइज्जती हो जाएगी इन्हें सोचेंगे लोग साढ़े हवाबाज ऑल दो मैं हूँ बट स्टिल बैटरी ना इसमें तो खूब लगा के देख लिया ऊपर नीचे देखने तो ना हुआ कुछ सिस्टम है भाई क्या करें गाइस हमने वो वाली चीज़ लिटरली कर दी काले सी से गाड़ी में बाजे बूफर पर बूफर क्यों नहीं बज रहा इसका वेस्ट ट्यूब ना लगवा रखी तुमने भाई एवरेज तो सही दे रही है कितनी दे रही है 10.3 की सही है वेरी नाइस यार हमारी तो 8-8 की दे रही है अभी भगा में इतनी हम बट नाइस चंडीगढ़ में रोकता नहीं आपको भैया कोई रोकते हैं रुक जाते हो हाँ सताऊंगा नहीं छोड़ते कैसे क्या क्या देना पड़ता है नहीं देना कुछ नहीं पड़ता बोलो भाई तुम क्या बोलते भाई तुम एल्विस भाई की गाड़ी है एल्विस भाई की गाड़ी सिक्योरिटी रीजन मैं मेरे को कोई काले शीशे के साथ पकड़ ले मैं कहूँ मेरी आँख कमजोर है हाँ भाई 50% का वो भी बन जाता है डॉक्टर का पता आपको है भाई तो डॉक्टर की रिपोर्ट बन जाती है इसकी रिपोर्ट बनवा रखी है हमने गाड़ी की नहीं इसकी आँख चेक करवा लेना एक बार उसके बाद बन जाएगी ये देखो क्या हुआ था ले भाई मारपीट की वीडियो दिखाने वाला ना भी भाई नहीं तो हम शो में जा रहे थे हाँ तो बोला फोटो खिंचवा लो कोई दिक्कत नहीं है काले शीशे की कोई रोक ले तो मेरे को बता दे ये कौन है भाई पुलिस वाला ले भाई पुलिस वाले गैल फोटो होगी AK-47 ले रखी पुलिस वाले ने तो हाँ यहाँ पे सबके पास AK-47 है ना नहीं सबके पास नहीं है हवलदारों पे बस ऊंचे रैंक वालों पे नहीं है एक भी भाई अपने होटल आ लिए सोऊंगा मैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब